आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। रिमांड और जमानत के प्रावधानों के संबंध में कार्यशाला का हुआ आयोजन। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुनील कुमार जैन द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों अधिवक्ताओं और पुलिस को रिमांड और जमानत में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में अधिवक्ताओं द्वारा समय समय पर व्याख्यान मार्गदर्शन की आवश्यकता को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर में व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभाषक संघ मंडलेश्वर के अधिवक्ता, जिले के स्थापित लीगल डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं, पैनल अधिवक्ताओं द्वारा भी ADR सेंटर मंडलेश्वर में कार्यक्रम में सहभागिता की, जबकि अभिभाषक संघ खरगोन, भीकनगांव, बड़वाहा, कसरावत, महेश्वर और सनावत के अधिवक्ता गण द्वारा ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में सहभागिता की गई। व्याख्यान में राज्य स्तर पर सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अधिवक्ता गणों द्वारा ऑनलाइन जुड़कर सहभागिता की गई। प्रधान जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष सुनील कुमार जैन द्वारा दिए गए व्याख्यान में रिमांड जमानत के प्रावधानों, नवीन कानून में क्या संशोधन किए गए के संबंध में विस्तार से बताया गया। कार्यशाला में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर सुजीत कुमार सिंह, चतुर्थ जिला न्यायाधीश देवेंद्र कुमार कुंदू, प्रथम जिला न्यायाधीश भगवान दास राठौर, द्वितीय जिला न्यायाधीश दीपक चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह, जिला अभिभाषक संघ मंडलेश्वर के अध्यक्ष कार्तिक जोशी, सचिव अजय वर्मा एवं बार के अधिवक्तागण, पैनल अधिवक्तागण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के लीगल डिफेंस काउंसिल रुपेश कुमार शर्मा, निशा कौशल, पुलिस विभाग से उप निरीक्षक राजेंद्र अवासिया, प्रेम सिंह सेमले, महेश यादव, दिनेश भगोरे, सहायक उप निरीक्षक सुखलाल तरोले, जोगेंद्र पाटीदार तथा जिले के अन्य थानों के उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक उपस्थित रहे। खरगोन से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट।